नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो नैनीताल ने आज ताड़ीखेत ब्लॉक मुख्यालय में कोरोना से बचाव और मतदाता जागरूकता अभियान के कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ व्याम सामाजिक संस्था ने स्वागत गीत गाकर और मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान कुमाऊं क्षेत्र के इतिहासकारों ने मतदाता जागरूकता को लेकर अपने सुझाव भी दिए। इस अवसर पर भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी राजेश सिन्हा ने बताया कि उत्तराखंड और विशेषकर कुमाऊं क्षेत्र के मतदाताओं से आगामी 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की जाएगी। ये भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत हम फील्ड आउटरीच ब्यूरो नैनीताल से यहाँ रानी खेत के बगल में ताड़ी खेत में कार्यक्रम करने आए हैं। जन जागरूकता का कार्यक्रम वस्तुतः जो उत्तराखंड में 14 फरवरी को चुनाव है उसको लेकर है और जो कोरोना का माहौल है उससे बचाव करते हुए कैसे मतदान किया जाए। कि आज के कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने बताया कि कोरोना काल में मतदान की क्या प्रक्रिया होगी। सबों को ग्लव्स दिया जाएगा, सैनिटाइज़र दिया जाएगा, मतदान के बाद वो डिस्ट्रॉय किया जाना है। जो कोरोना से पीड़ित हैं, प्रभावित हैं, उन्हें पीपी किट और मास्क पहना के 95 मास्क पर पहना के मतदान करने को की अनुमति होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि कुमाऊं क्षेत्र में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और लोग 14 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में, बल्कि मैं कहूँ कि जितने भी योग्य हैं वो सब मतदान करने उस दिन अवश्य आएंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा। तो ये थी रानीखेत से हमारे सहयोगी बलवंत सिंह रावत की खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जेजेएन न्यूज़ और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं सुंदरलाल आर्या, बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी, साढ़ी विधानसभा क्षेत्र कालाढूंगी से उम्मीदवार हूँ। मैं क्षेत्र की समस्त जनता से निवेदन करता हूँ, इस बार क्षेत्र में परिवर्तन करके, क्योंकि 5-5, 10-10 साल दोनों पार्टी की सरकारें हो चुकी है, तीसरा विकल्प उत्तराखंड में बहुजन समाज पार्टी है। एक नया चेहरा और युवा होने के नाते क्षेत्र के विकास के लिए मुझे मौका दें और अधिक से अधिक मतों से मुझे जिताएं।